करते हैं, यानी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 10। ठीक है, इस बार ये वर्कशीट एक ही मीडियम में है, इसकी हिंदी या इंग्लिश मीडियम नहीं है, ये सिर्फ एक ही मीडियम यानी हिंदी मीडियम में ही है। ठीक है, चलिए अब आप इसे लिखेंगे तो आप सेम पहले की तरह यहाँ पे अपनी हेडिंग्स डाल देंगे और आज की डेट यानी कि 16 तारीख डाल देंगे। और ये देखिए 6 to 8 क्लास के लिए यहाँ पे आप अपना क्लास डालेंगे, जो भी आपका क्लास है, उसके बाद यहाँ आप अपना नाम और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम। ठीक है, इस तरह से आपका सारी हेडिंग्स डल जाएंगी और उसके बाद फिर आप ये लिखना शुरू करेंगे। चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें। अप्रैल मास, मास माने होते हैं महीना, के आरंभ, आरंभ माने शुरू से ही लॉकडाउन के कारण आप विद्यालय नहीं जा पाए। ठीक है, यानी कि अप्रैल के महीना जो शुरू हुआ तब से ही आप विद्यालय नहीं जा पाए। ठीक है ना, परंतु आपने घर पर ही, यानी कि आप स्कूल तो नहीं गए लेकिन आपने घर पर ही हैप्पीनेस और मिशन बुनियाद की गतिविधियों को मज़े से किया। यानी कि आपके जो एक हैप्पीनेस है, जिसका काम ये आप लोग अभी कर रहे हैं, और दूसरा मिशन बुनियाद, जो बच्चे थोड़े वीक हैं उनको बुनियाद में डाला गया है ना, तो वो सब है, तो उनको अलग अलग वर्क्स मिलते हैं। जैसे आपको ये वर्कशीट मिलता है, ऐसे जो बुनियाद वाले बच्चे हैं उनको अलग से वर्क मिलता है, तो आपने वो सारे काम किए। आज आप जुलाई मास के कैलेंडर को देखकर, यानी कि अब ये आपको देखिए जुलाई महीने का कैलेंडर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी अब आप ये कैलेंडर देखेंगे, आपको देखिए जुलाई 2020 का कैलेंडर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको नीचे के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप देखें यहाँ पे वन, पहली तारीख कब है, वेनसडे को, थर्सडे है ना, और 31st का ये महीना होता है। तो इस तरह से आप ये नहीं, ये डेट देख लें, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलेंडर से हम जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अब देखिए, कैलेंडर का उपयोग करते हुए पहले और बाद की तिथि का पता करें। यानी अब आपको कैलेंडर का यूज़ करना, उपयोग करना यानी यूज़ करना, ठीक है, यूज़ करके आपको बताना है कि इससे पहले क्या डेट थी या इसके बाद क्या तिथि, माने तारीख, डेट है ना, तो आपको बताना है इससे पहले क्या डेट थी या इसके बाद क्या डेट है। अब क्या लिखा है, 22 जुलाई से 5 दिन पहले। चलिए अब हम लोग 22 जुलाई पर चलते हैं, उससे 5 दिन पहले काउंट करते हैं। देखिए ये हो गया आपका 22 जुलाई, अब 22 जुलाई से 5 दिन पहले 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 5 दिन पहले क्या होगा, 17 जुलाई, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 17 जुलाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 जुलाई से 9 दिन बाद। अब देखिए ये आपका यहाँ हो गया 13 जुलाई, अब इसके 9 दिन बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अब 13 को देखिए, हमेशा याद रखिए जब हमें किसी दो के बीच का डिफरेंस बताना हो तो उसमें से एक को काउंट करते हैं और एक को काउंट नहीं करते, इसलिए देखिए हमने यहाँ 13 को काउंट नहीं करा, 13 से अगला जोड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यानी कि 13 से 9 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा, 22 जुलाई आ जाएगा। ठीक है, 13 जुलाई से 9 दिन बाद क्या आएगा, 22 जुलाई। इसी तरह से देखिए लिखा है 6 जुलाई से 3 सप्ताह बाद, तो अब देखिए 6 जुलाई जो है आपका, ये हो गया आपका 6 जुलाई, तो 6 जुलाई से 3 सप्ताह बाद, देखिए यहाँ से ये पूरा चला यहाँ तक 1 हफ्ता, फिर यहाँ से दोबारा चला यहाँ तक 2 हफ्ते, फिर यहाँ से दोबारा चला यहाँ तक 3 हफ्ते, तो 6 जुलाई से 3 हफ्ते बाद कौन सी डेट आएगी आपकी, 27। ठीक है ना, है आसान तरीका, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पहली बार में समझ में आ जाए, दोबारा आपको करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आज 3 जुलाई है, यानी इन्होंने क्या कहा कि अज्यूम करिए, यानी मान लीजिए कि आज 3 जुलाई है, मीरा का जन्म 28 जुलाई है, यानी मीरा जो है उसका जन्मदिन कब आता है, 28 जुलाई को आता है, बताइए आज से मीरा का जन्मदिन मतलब जन्मदिन में कितने दिन बाकी हैं। अब यहाँ पे आप देखें 3 और 28, देखिए ये आपका 3 है और ये आपका 28 है, एग्जैक्टली यही है। अब इन्होंने कहा कि 3 जुलाई है आज हमने मान लिया और 28 जुलाई को मीरा का जन्मदिन है, तो वो अब उसका जन्मदिन कितने दिन दूर है अभी, तो आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25, यानी कि आज से कितने दिन बाद उसका जन्मदिन होगा,
25 डेज। ओके चलिए, अब अगला आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि पांचवा क्वेश्चन, लॉकडाउन के दिनों में आपका कैसा अनुभव रहा, अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि लॉकडाउन के दौरान आपके दिन कैसे रहे या आपने उसमें क्या महसूस किया है ना, तो आपको ये बताना है कि क्या अनुभव रहा। आप देखिए, अब लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि सब तरफ हम लॉक कर देंगे, यानी कोई भी बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी मार्केट नहीं खुलेगी, सिर्फ आपको उतनी चीज़ें ही मिलेंगी जितनी आपकी ज़रूरत है, क्या कहते हैं बेसिक नीड्स, है ना, सिर्फ खाना पानी बस, कोई शॉपिंग नहीं होगी, कोई सूट की, कोई किसी भी तरह की कॉस्मेटिक्स की कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी, इसे ही कहते हैं लॉकडाउन। कोई भी इंसान काम पे नहीं जाएगा, सबकी जॉब्स वगैरह सब बंद है, स्कूल बंद है, एवरीथिंग क्लोज। ठीक है, तो अब आपका लॉकडाउन में अनुभव कैसा रहा, तो अब आप इसे 2-3 पॉइंट्स में अपने हिसाब से लिख लेंगे। जैसे कि अब मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही लॉकडाउन देखा है। ठीक है, कुछ खुशी भी है कि स्कूल बंद है, आहा स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, मस्ती करने घर पे, लेकिन फिर हमें परेशानी भी हो रही है कि अब हम अपने स्कूल के दोस्त से नहीं मिल पा रहे हैं और घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। कम से कम स्कूल का वर्क आता है, कुछ काम करते हैं, मज़ा आता है, टाइम पास होता है थोड़ा सा, कुछ पढ़ाई का दिल करता है जब मैम होमवर्क देती हैं, अब मैम हमें होमवर्क ही नहीं दे रही हैं तो हमारा पढ़ाई का भी दिल नहीं कर रहा है ना। तो आप अपने सारे अनुभव बताएंगे, किस तरह से कुछ अच्छे अनुभव भी हुए हैं और कुछ बुरे अनुभव भी हुए हैं। अच्छे इस तरह से हुए कि सारी फैमिली के लोग घर में हैं तो हमें मज़ा आ रहा है, सबके साथ बैठे हैं, बातें हो रही हैं, है ना, सब साथ में इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ें मंगा के पका रहे हैं, खा रहे हैं, लाइक ठीक। अब बुरा इसलिए कि देखिए कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, हर तरफ किसी ना किसी के घर का कोई ना कोई मेंबर मर रहा है भाई, जिसको कोरोना हो रहा है, और अगर वो मर जा रहा है तो ये अफसोस की बात है कि किस तरह से बेचारे लोग मर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव अपने पेश कर सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें पॉइंट्स में एक साथ लिख दें, चाहे आप दोनों को अलग अलग करके लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।